हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज बुलियन इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज द यूज़ ऑफ बुलियन इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है और बुलियन इंडेक्सिंग का क्या यूज है बुलियन इंडेक्सिंग ओके बुलियन मींस ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ओके बुलियन वैल्यूज कौन सी होती है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू तो जहां पे आप इंडेक्सिंग कर रहे हो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को यूज करके वो उसको बोलेंगे बुलियन इंडेक्सिंग बुलियन इंडेक्सिंग हेल्प अस टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम यूजिंग अ बुलियन वेक्टर बुलियन इंडेक्सिंग हेल्प करता है डेटा फ्रेम से डेटा सेलेक्ट करने में यूजिंग बुलियन वेक्टर बुलियन वेक्टर क्या होता है बुलियन वेक्टर इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ओके वेक्टर क्या होता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिसको आप रो फॉर्म में या कॉलम फॉर्म में अरेंज कर सकते हो तो बुलियन वेक्टर का क्या मतलब होगा जहां पे वैल्यूज कि, किस किस फॉर्म में है बुलियन फॉर्म में है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है ओके राइट

वी कैन अचीव द वुलियन इंडेक्सिंग बाय फॉलोइंग द बिलो गिवन स्टेप्स अगर आपको बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इंडेक्स वैल्यूज क्या हो बोलियन हो ओके okay? तो इसमें फर्स्ट आप क्या करोगे क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ डेटा आप डेटा की डिक्शनरी क्रिएट करोगे कन्वर्ट इट इंटू अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विद द बुलियन इंडेक्स एज अ वैक्टर ओके आप डिक्शनरी को कन्वर्ट करोगे डेटा फ्रेम में राइट पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करके हमने पहले भी किया कि कैसे डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं ओके okay? एंड जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो आप एक्सप्लिसिटली बुलियन इंडेक्स भी डिफाइन करोगे मतलब खुद से बुलियन इंडेक्स भी दोगे अदरवाइज डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा ओके okay? नाउ एक्सेस द डेटा यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया जिस जिसका इंडेक्स क्या है बुलियन इंडेक्स है अब आप, आप क्या कर सकते हो बुलियन इंडेक्सिंग कर सकते हो तो अब यहाँ पे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम से यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग ओके ओके okay. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पी डी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे पांडास के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए राइट right? देन आपने डिक्शनरी को क्रिएट किया है ओके डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू पेयर्स तो हमारी यहाँ पे की नेम है और उसकी वैल्यूज़ क्या है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ठीक है हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एज अ लिस्ट दे दिया इसमें रोहन शर्मा जिया अरोड़ा अमित भारद्वाज फिर अगेन हमारे पास की एज है और इसकी वैल्यूज़ है नाइनटीन ट्वेंटी एटीन फाइन ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है अब आपको क्या करना है डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर देंगे फाइन तो डेटा फ्रेम क्या करेगा डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा और आप नेक्स्ट पैरामीटर क्या दोगे इंडेक्स पैरामीटर यहाँ पे आप खुद से दोगे क्योंकि आपको क्या देना है आपको बुलियन वैल्यूज देनी है इंडेक्स के अंदर तो आपने एज अ लिस्ट आपने क्या दिया बुलियन वेक्टर इस दे दिया है इंडेक्स को ट्रू फॉल्स ट्रू फाइन ओके डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जो डीएफ uh, वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा तो सिंपली आपने क्या किया प्रिंट करा दिया को जो आपका डेटा फ्रेम है राइट right? अब देखो यहां पे इंडेक्स वैल्यू क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स बुलियन इन द फॉर्म ऑफ बुलियन वेक्टर ओके और आपका ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है यहाँ पे की जो की वैल्यूज थी वो क्या बन गई है कॉलम का नेम फाइन नेम एंड एज कॉलम का नेम बन गया है और जो उनकी वैल्यूज थी वो आपका कॉलम का डेटा बन गया डेटा वैल्यूज ओके ओके नो वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रेम बाय पासिंग बुलियंस टू द मेथड लॉक एंड आई लॉक अब हम क्या करेंगे डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सेस करेंगे ओके बाय पासिंग बुलियंस बाय पासिंग बुलियन वैल्यूज टू द लॉक फंक्शन एंड आई लॉक फंक्शंस फाइन क्योंकि हमारे पास इंडेक्स uh, वैल्यू किस फॉर्म में बुलियन फॉर्म में है तो आप इसके लॉक एंड आई लॉक फंक्शन में इंडेक्स वैल्यूज को पास करते हो तो ये किस फॉर्म में पास करोगे बुलियन फॉर्म में पास करोगे फाइन एक्सेसिंग डेटा फ्रेम यूजिंग लॉक फंक्शन अब लॉक फंक्शन के अंदर आप रो लेबल या कॉलम लेबल, रो नेम या कॉलम नेम देते क्या हो जाएगी एक्सेस हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि हम डिस्प्ले इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम प्रिंट कमांड यहाँ पे दे रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट जो रो थी रोहन शर्मा वो आपकी डिस्प्ले होगी एंड सेकेंड रो अमित भाजवा ये डिस्प्ले हो गई है फाइन ओके ट्रू था आ, इंडेक्स वैल्यू वहां, वहां का डेटा डिस्प्ले हो गया ओके ओके नेक्स्ट एक्सेसिंग डेटा यूजिंग आई लॉक फंक्शन आई लॉक फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही पास कर सकते हो राइट right? तो यहाँ पे आपने क्या दिया प्रिंट कमांड दिया डी एफ डॉट फंक्शन डेटा फ्रेम का iloc फंक्शन उसमें आपने पास कर दिया वन वन क्या है इंडेक्स वैल्यू है ओके okay? क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का इंडेक्स वन है सेकंड का सॉरी फर्स्ट रो का इंडेक्स जीरो है सेकंड का वन है और आपका इसका टू है तो uh, कौन सी आपकी रो uh, आप यहाँ पे एक्सेस होगी ये वाली जिया रोडा एंड

अनदर वे टू यूज़ बुलियन इंडेक्स इज टू डायरेक्टली पास द बुलियन वैक्टर टू द डेटा फ्रेम अब यहाँ पे क्या है हम डेटा फ्रेम के अंदर डायरेक्टली बुलियन वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं वुलियन वक्टर को पास कर सकते हैं इट विल प्रिंट ऑल द रोज विद द वैल्यू ट्रू अब वुलियन वैक्टर जब आप पास करोगे तो उसके अंदर जितनी जहाँ जहाँ ट्रू वैल्यू होगी वो वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा फाइन ओके नी कैन पास द वुलियन वैक्टर टू द डेटा फ्रेम टू एक्सेस द डेटा ओके यहाँ पर देखो आपने प्रिंट दिया जिससे वो आपका आउट प्रिंट हो जाए DF, DF के अंदर आपने लिस्ट वेक्टर को पास कर दिया है ओके okay, आपका फर्स्ट जो है ट्रू है तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसके लिए आपका ट्रू आया है, तो ये आपका डिस्प्ले करेगा सेकेंड रिकॉर्ड के लिए ट्रू आपने पास किया है वो डिस्प्ले करेगा थर्ड के लिए आपने फोर्स किया है तो ये वाला आपका पास नहीं करेगा फाइन तो यू कैन सी योर सेल्फ यहाँ पे आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया है और सेकेंड रिकॉर्ड आ गया है ओके अब नेक्स्ट कमांड देखो डीएफ में आपने फर्स्ट ट्रू दिया है तो फर्स्ट वाला आ जाएगा रोहन शर्मा सेकेंड आपने फोर्स दिया है तो जिया अरोड़ा नहीं आएगा थर्ड आपने ट्रू दिया है तो अमित भारद्वाज ये भी आपका डिस्प्ले कर जाएगा अमित भारद्वाज ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा बट इट्स अमित भारद्वाज ओके तो यहाँ पे जो आपने बुलियन वेक्टर डेटा फ्रेम के अंदर पास किया है वहां जहां जहां ट्रू होगा वो वो रिकॉर्ड्स आपके एक्सेस हो जाएंगे फाइन okay children now we will meet in next uh, video with next useful topic all the best for your exams keep studying be happy be safe and subscribe my channel for more useful videos thank you